जहां आज बातें होंगी इमेज वीडियो प्रोसेसिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में। दिस ओपन सीवी इज बेसिकली स्टैंड फॉर ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी। दिस इज वन ऑफ द लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय पाइथन टू वर्क विद द डिजिटल इमेज एज वेल एज videos. One CV is basically used for such type of an application where we'll talk about digital image processing, face recognition system, object detection system. यदि हम इस ओपन सीवी लाइब्रेरी को डिफाइन करें इन अ सिंपल वे, इफ यू कैन डिफाइन एन ओपन सीवी तो हम क्या बोलते हैं? ओपन सीवी इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर लाइब्रेरी विजन ऑफ पाइथन यूज टू परफॉर्म इमेजेस एंड वीडियो एनालिसिस। कि जब भी हम पाइथन में किसी इमेज और वीडियो एनालिसिस एप्लीकेशन की बात करते हैं, सो दैट वी विल गो फॉर दिस ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। यदि मुझे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, सपोज वी हैव एन इमेज एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन दैट इमेज, सो वी विल गो फॉर दिस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फिर ओपन सीवी के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बातें होंगी इमेज वीडियो प्रोसेसिंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो पाइथन देखा, हमने कोर पाइथन की बात करी, इवन हम अभी कई लाइब्रेरीज देख के आ रहे हैं। हम लोगों ने नम पाई को देखा, हमने पांडास को देखा, हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी को देखा, लेकिन यहां पर अब जो बातें होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होंगी। अभी तक हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात की, स्टैटिस्टिक्स की बात की, राइट, यूजिंग नमपाई, पांडास, डेटा कलेक्शन, डेटा सेट की बात की, लेकिन यहां पर अब हम बात कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस की जो रिलेटेड है इमेज एंड वीडियोस, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आई एम टेलिंग यू। कि जहां पर आप रियल टाइम एप्लीकेशन देखते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, कि यदि मान लो मैंने आपको एक इमेजेस दिखाई है एंड आई वांट टू फाइंड आउट, आई वांट टू मेक एन एप्लीकेशन कि बॉस इस इमेजेस में, दिस इमेज हाउ मेनी कार्स इन दिस इमेज, हाउ मेनी ट्रीज इन दिस इमेज, हाउ मेनी बाइसिकल्स इन दिस इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कॉन्सेप्ट। यदि मान लो मुझे फेस रिकॉग्नाइज करना है कि आई एम जस्ट पुटिंग अ इमेज इन द फ्रंट ऑफ माई एप्लीकेशन एंड इट टेल मी कि विच फेस दिस इमेज बिलोंग्स टू विच पर्सन, तो सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन रिलेटेड विद इमेजेस एंड वीडियो प्रोसेसिंग वी आर गोइंग टू इजीली डिजाइन विद द लाइब्रेरी कॉल्ड ओपन सीवी। दिस ओपन सीवी इज बेसिकली स्टैंड फॉर ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी। दिस इज वन ऑफ द लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय पाइथन टू वर्क विद द डिजिटल इमेज एज वेल एज वीडियोस। कि जब भी आपको इमेजेस और वीडियोस को लेके कोई एप्लीकेशन बनानी है, अरे बॉस ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। कि जहां पर हम रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल टाइम इमेजेस प्रोसेसिंग पे बात करेंगे, तो एक्चुअली ओपन सीवी क्या है, किस तरीके से इसको यूज करना है, इसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगा, ये सारी बातें स्टेप टू पे करेंगे। लेकिन स्टेप वन पे हम ये समझते हैं कि वॉट काइंड ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डिजाइन विद एन ओपन सीवी। कि ओपन सीवी को यूज करके हम किस तरीके की एप्लीकेशन डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया द फुल फॉर्म ऑफ ओपन सीवी इज व्हाट, इट इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन एंड इट इज वन ऑफ द लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय पाइथन। ओके, सो चलिए बात करते हैं द एरियाज जहां पर हम ओपन सीवी को यूज करने वाले हैं। दिस ओपन सीवी, देखिए अब देर आर मल्टीपल एरिया जहां भी इमेजेस और वीडियोस को लेके किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करने की बात है, सीधे सीधे हम बात करेंगे ओपन सीवी। तो ओपन सीवी इज बेसिकली यूज्ड फॉर सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन वेयर वी विल टॉक अबाउट डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, कि अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू नो वेरी वेल फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एप्लीकेशन क्या होती है, आपके मोबाइल में फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके की एप्लीकेशन अब मुझे पाइथन में डिजाइन करना है, सो दिस ओपन सीवी लाइब्रेरी इज अवेलेबल फॉर अस। यदि मुझे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, सपोज वी हैव एन इमेज एंड वी वांट टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन दैट इमेज, सो वी विल गो फॉर दिस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम। कि अगर मान लो एक इमेज है ना, यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी बाइसिकल्स इन दिस एंड हाउ मेनी ट्रीज इन दिस, ठीक है, हाउ मेनी कार इन दिस, हाउ मेनी मेल जेंडर इन दिस, ठीक है, तो दिस सॉफ्टवेयर या दिस लाइब्रेरी कैन इजीली प्रोवाइड यू सच टाइप ऑफ फंक्शन सो दैट वी कैन इजीली मेक अ एप्लीकेशन फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। यदि मान लो मुझे एज डिटेक्शन को लेके कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना है, सो मशीन लर्निंग में जब इस तरीके की एप्लीकेशंस आती हैं, या जब हम फ्यूचर में बात करते हैं डेटा साइंस या मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस की, एआई एप्लीकेशंस की, तो वहां पर हम यूज करते हैं ओपन सीवी लाइब्रेरी को। तो यदि हम इस ओपन सीवी लाइब्रेरी को डिफाइन करें इन अ सिंपल वे, इफ यू कैन डिफाइन एन ओपन सीवी, तो हम क्या बोलते हैं? ओपन सीवी इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी सपोर्टेड बाय पाइथन।
see this one. OpenCV is an open source computer library vision of Python used to perform images and video analysis. कि जब भी हम Python में किसी image और video analysis application की बात करते हैं, so that we will go for this open source library of Python. No doubt we need to install this library first, but हमें पता है कैसे install करना है, और अभी हम देखेंगे भी कि किस तरीके से हम OpenCV को install करेंगे and how to ready our Python for OpenCV. It's a hardly 5-minute task, not to worry about that. लेकिन this is fact that this library, अगर मैं अपनी बात करूं तो this is one of the most interesting library जो मुझे पसंद है, क्योंकि यहां पे बात होती है images processing की. क्योंकि अभी तक हम mathematical calculations की बात कर रहे थे कि जब हम numpy को use करते हैं, pandas को use करते हैं. I'm not telling that कि that is not important or this is not, बात important की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक interest concept की, कि जहां पर हम बात करेंगे आज image और video analysis के बारे में. ठीक, तो डेफिनेशन हमने क्या बोली, इट इज एन ओपन सोर्स कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी ऑफ पाइथन यूज्ड टू परफॉर्म इमेजेस एंड वीडियो एनालिसिस. सो दिस लाइब्रेरी इज बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म इमेज प्रोसेसिंग एंड मल्टीपल ऑपरेशंस व्हिच वी नीड टू परफॉर्म ऑन इमेजेस एंड वीडियोस. सो दिस इज व्हाट द लाइब्रेरी अवेलेबल इन पाइथन टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन. लेकिन अब यहां पे स्टेप वन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मुझे इस लाइब्रेरी को, I need to install this library in my machine. कि सबसे पहले मुझे इसको install करना है. Install करने के बाद, how to make an application after installation of OpenCV. तो ये सारे concept मैं आपको practically बताता हूँ, तो चीजें शायद आप proper तरीके से समझ पाएंगे. क्योंकि board पे आपको installation समझ में नहीं आएगा. तो चलिए इसके practical implementation को देखते हैं और एक छोटी सी image application बना के देखते हैं कि किस तरीके से हम OpenCV को install करेंगे. Using PIP command, using हम जो software use करें, that is a PyCharm. तो दोनों option हम देखते हैं PIP command को use करके, ठीक है. And second one is PyCharm, कि PyCharm में इसको कैसे install करेंगे, ठीक है. Using PIP command and using PyCharm. और यदि आप चाहें, so you can use some another editor also. ठीक है, आप Jupyter notebook use कर सकते हैं, आप Anaconda use कर सकते हैं, but जो editor हम use कर रहे हैं यहाँ पे, या तो हम Python IDLE की बात करेंगे, ठीक है, जहां पर हम PIP कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब PIP कमांड इज यूज्ड टू इंस्टॉल. और सेकंड वी आर गोइंग टू सी हाउ टू इंस्टॉल दिस OpenCV लाइब्रेरी एंड यूज इट इन PyCharm, कि PyCharm में हम इसको कैसे यूज करेंगे. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, सी लॉजिक्स का एडिटर से कहीं कोई कंसर्न नहीं है, या आपकी अपनी चॉइस है. लेकिन डे वन से हम जिस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, सॉरी हम जिस एडिटर को यूज कर रहे हैं, दैट इज एन PyCharm editor, तो हम उसी को यूज करेंगे. ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है. कि एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करें हम, कि बात हम यहां पे करने वाले हैं OpenCV लाइब्रेरी की, जो कि Python की लाइब्रेरी है फॉर इमेजेस एंड वीडियो प्रोसेसिंग. कि किस तरीके से हम OpenCV को यूज करेंगे फॉर एन एप्लीकेशन लाइक फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लाइक एज डिटेक्शन, जेंडर डिटेक्शन. तो सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन वी कैन डिजाइन यूजिंग OpenCV. ओके, तो ये हमने अभी डिस्कशन किया कि किन एरियाज में हम OpenCV लाइब्रेरी को यूज करेंगे, और ये मैंने केवल कुछ एरियाज लिखे हैं. केवल यहां पर हमने बात की है वीडियो एंड इमेज प्रोसेसिंग के कुछ ऐसे एप्लीकेशंस की जो कि वेल नोन है, बट देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन विच वी आर गोइंग टू डिजाइन यूजिंग OpenCV. और देखते हैं अभी हम इसको, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकली जब हम समझेंगे तो चीजें ज्यादा बेटरली समझ में आएंगे. ठीक है, तो OpenCV को यूज करके वी कैन गो फॉर फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, एज डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. तो चलिए कॉन्सेप्ट की तो सारी बातें हम लोगों ने की है. ठीक है, डेफिनेशन हम लोगों ने बात की कि OpenCV बेसिकली क्या है, तो मैंने आपको भी बताया इट इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी ऑफ पाइथन फॉर इमेजेस एंड वीडियो एनालिसिस एंड ऑल द ऑपरेशंस रिलेटेड विद वीडियो एंड इमेज एनालिसिस वी कैन परफॉर्म विद दिस OpenCV लाइब्रेरी. तो चलिए इसके इंस्टॉलेशन की बात करते हैं और एक एप्लीकेशन हम बना के देखते हैं, हाउ टू डिजाइन इन इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूजिंग OpenCV. ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि व्हाई वी शुड गो फॉर दिस OpenCV लाइब्रेरी. तो करते हैं मुलाकात इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में जो अभी हम देखने वाले हैं. तो बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और खुश रहिए, क्योंकि आगे हम अभी OpenCV को लेके बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.